अस्सलाम वालेकुम टू ऑल किंग ऑफ जिनकार फैंस, क्या हाल है सब भाइयों के। उम्मीद करता हूँ जी सब भाई खैर खरीत होंगे। लें जी आज आप सब भाइयों को मैं ना अपना ड्रीम कैसेट प्लेयर शो करवाता हूँ, जो बहुत अरसा से मुझे इस एल्बम इस प्लेयर की तलाश थी, जो मुझे एक भाई ने लंदन से भेजा है। थैंक यू सो मच उस भाई दोस्त का, और जिन्होंने मेरे लिए इसे तलाश किया, ढूंढा वहाँ से और मुझे पार्सल भेजा। तो आज मुझे ये पार्सल वसूल हुआ पूरे सवा महीने के बाद। तो मैंने सोचा आप सब भाइयों से ज़रा शेयर करता चलूँ, ज़रा बताता चलूँ। इस कैसेट प्लेयर की खासियत ये है कि जी कि ये ऑटो ट्यून है। इसे कैसेट जैसी भी हो, जिस तरह की भी कैसेट हो, इसमें सिर्फ डाल कर प्ले कर दें तो ये खुद ब खुद उसे ट्यून कर लेगी। और तो इस कैसेट प्लेयर का मैं आपको हेड भी चेक करवाता हूँ। ये हेड चेक करें इस कैसेट प्लेयर का, इसमें ऑटो ग्रारीज लगी हुई हैं जो खुद ब खुद ऑटो ट्यून कर लेती हैं कैसेट को। कैसेट आप जिस टाइप की भी डालेंगे इसमें वो मास्टर क्वालिटी निकाल कर देगी आपको। और जापान ने ये जी कैसेट प्लेयर बनाया, और जापान वालों का दावा है कि इस कैसेट प्लेयर से ऊपर कोई भी कंपनी या कोई भी और कैसेट प्लेयर नहीं आ सकता, ना ही कोई बना सकेगा। तो मैंने इसे ज़िंदगी में आज पहली बार यूज़ करना है, तो मैंने कहा चलें यूज़ तो करना ही है, चेक करना है। तो आप सब भाइयों से ज़रा इसका रिव्यू करवाता चलूँ, साथ साथ आपको भी दिखाऊँ। चलें चलते हैं जी, कुछ कैसेट से निकालते हैं अपनी कलेक्शन से, जो दो तीन टाइप की होंगी। एक मारिया गोल्ड ले लेते हैं, एक लेंगे जी लोकल किसी कंपनी में, हीरा या किसी और कंपनी में, ताकि हमें पता चले कि ऑटो अजीब म्यूथ या ऑटो ट्यून करता है कि नहीं करता। पंजाबी डिस्को एस क्यू, अच्छा नूर जहाँ मिट्टी जिनकार, ये लोकल कंपनी है, इसे पकड़ लेते हैं। एक ले लेते हैं जी हीरा में, कौन सी पड़ी है हमारे पास हीरा में, पश्तो धुन दो गाने जनकार है ये। अच्छा ये तो बिल्कुल पैक पड़ा हुआ है। इसके बाद और कौन सी हमें, हाँ ये पब्लिक डिमांड ले लेते हैं, डोला वेगा सुन डोला, और कौन सी उठाते हैं। अच्छा पब्लिक डिमांड का एक आधा और वॉल्यूम उठा लेते हैं, दो तीन, और इसे भी उठा लेते हैं। अच्छा और कौन सी, दो तीन कंपनीज की ना उठाएंगे ताकि हमें पता चले कि वाकई में ये ऑटो ट्यून करता है कि नहीं। डिफरेंट चीज़ें उठाएँगे, डिफरेंट पता चले। मारिया गोल्ड में दिल देता रो रो दुहाई, अच्छा मेरे हिसाब से इतनी एक ये उठा लेते हैं जी लिरिक स्टूडियो में बारीक पाई कुर्ती। लें जी अब इसे प्ले करके चेक करेंगे कि क्या करता है, क्या रिजल्ट देगा ये इस कैसेट प्लेयर की। आज कहाँ से देखते हैं, बहुत नाम सुना है इसका, बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में मैंने रिसर्च किया कि आप सब भाइयों को किस तरह अच्छे से अच्छी क्वालिटी मैं दे सकूँ, किस तरह मुतारफ़ करवाऊँ आपको अच्छी क्वालिटी। चलें जी प्ले करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं जी, फॉरवर्ड करते हैं, ओके ऑन तो कर लें पहले से। लें जी अब हो गए ऑन, फॉरवर्ड करते हैं ज़रा, ऑटो काउंटर रीसेट और ये प्ले। अभी ये ऑटो ट्यून कर रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है ट्यून होते हुए। हाँ थोड़ा सा फॉरवर्ड करते हैं, ट्यून हो चुका है जी, खुद ब खुद ट्यून कर लिया उसने। अच्छा दूसरी साइड चला के देखते हैं कि उसे भी ऑटो ट्यून खुद ब खुद करेगा या नहीं। प्ले करते हैं, ट्यून कर लिया उसने खुद बखुद, वाह कमाल की क्वालिटी निकाल रहा है जी, मज़ा आ रहा है सुनते हुए। ओए 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 क्या कमाल की क्वालिटी है यार, क्या कमाल। ऐसे तो मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी कैसेट प्लेयर की क्वालिटी मैंने नहीं आज तक सुनी जो इसने कैसेट प्लेयर ने मुझे सुनाई है। अच्छा कोई और कैसेट डाल के चेक करते हैं ज़रा, क्या कमाल क्वालिटी है, मज़ा आ गया।
फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ मैं खुद भी इस कैसेट प्लेयर को, और ये सब कुछ मैंने आप भाइयों के लिए मंगवाया, इतना खर्चा इतना पैसा लगा के कि आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी अच्छी से अच्छी रिकॉर्डिंग मैं दे सकूँ और आपको इंजॉय हो सुने आप। ये लें जी ऑटो ट्यून कर लिया उसने खुद ही। क्या कमाल क्वालिटी, कमाल चीज़ वाकई भाई। जापान वालों ने अगर दावा किया है तो बिल्कुल सच्चा दावा किया है, बहुत आउटस्टैंडिंग यार क्वालिटी। ये सेटअप भी मैं न्यू लाया हूँ आप भाइयों के लिए कि अच्छे से अच्छी आपको क्वालिटी सुनवा सकूँ। ये दो स्पीकर्स हैं जी, साथ में सराउंडर हैं दो, ये भी आपको चेक करवाते हैं साथ साथ। मेरे से जितना हो सकता है भाइयों के लिए मैं तो उतना करता हूँ, बस एक बार वीडियो को ज़रूर पूरा वॉच किया करें, वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा फिर ये सब कुछ अपलोड होगा इंशाल्लाह। लें जी अब ज़रा चेक करते हैं क्वालिटी, मुझे तो बहुत आउटस्टैंडिंग सुनाई दे रहा, पता नहीं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग में कैसा सुनाई देगा। साइड चेंज करता हूँ यार, ट्यून वाली तो कमाल कर दी है, खुद ब खुद ट्यून हो रही है। क्या कमाल प्लेयर बना दिया है जी जापान ने, आउटस्टैंडिंग यार आउटस्टैंडिंग। कोई भी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा अभी तो, विदाउट इक्वलाइज़र विदाउट एडिटिंग कुछ भी नहीं कर रहा, डायरेक्ट प्ले कर रहा हूँ, डायरेक्ट प्ले पे इतना साउंड दे रहा है। तो सोचें जब इन्हें केसर्स को नीट एंड क्लीन करके रिकॉर्ड करूँगा तो तब क्या करेगा ये। कमाल अभी कैसेट की हालत भी देखें, किस तरह मिट्टी धूल है, खस्ता हालत है, फिर भी इतनी आउटस्टैंडिंग क्वालिटी निकाल रहा है प्लेयर। मैं कह रहा हूँ कि अभी इस प्लेयर पे जो मैं रिकॉर्ड करूँगा ना, वो आप जिस मर्जी एम्पलीफायर जिस मर्जी जगह पर सुन लीजिएगा, आउटस्टैंडिंग क्वालिटी मिलेगी, बहुत यार आउटस्टैंडिंग क्वालिटी। ये मेरा ड्रीम कैसेट प्लेयर था जिसके लिए मैंने पूरे 2 साल वेट किया, मैं इसे तलाश करता रहा हूँ 2 साल से, अब जाके मुझे मिला है, अब जाके मैं जो है ना मेरी ख्वाहिश पूरी हुई है कि मुझे ये प्लेयर चाहिए। इसमें 2-3 और भी मॉडल आ रहे हैं आते हैं, मैं वो मॉडल भी तलाश कर रहा हूँ, मुझे जब वो भी मिलेंगे मैं आपको वो भी रिव्यू करवाऊँगा। उसके बाद ये एक और कार्टन आया है, पार्सल आया है मेरे पास, इसमें बहुत सारे कैसेट्स और उसके अलावा कैसेट प्लेयर भी आए हैं न्यू, मैं आपको सब कैसेट प्लेयर की रिव्यू करवाऊँगा टाइम टू टाइम। अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा सारे, तो आज तो सिर्फ इसी वीडियो का इसी प्लेयर का रिव्यू करते हैं ना, तो इसमें क्या चीज़ है। यार सांवल बहुत ही अच्छा सॉन्ग है ये भी, कैसेट लगाता हूँ ऑटो ट्यून वाला जो इन्होंने यार ये ऑप्शन डाल दिया ना, क्या कमाल का ऑप्शन डाला है, यकीन जाने मुझे इतना मज़ा आ रहा है ना अभी चेक करते हुए सुनते, अभी तो मैंने तसल्ली से सुन भी नहीं रहा, अभी सिर्फ चेक कर रहा हूँ, चेकिंग में इतना मुझे मज़ा आ रहा है। बाद में इसे रिकॉर्डिंग करूँगा तो फिर देखेंगे।
ये केसेट की कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब है, तो इसलिए मैं इसे प्ले नहीं करूँगा, क्योंकि नया केसेट प्लेयर है। मैं नहीं चाहता कि इसे कोई भी नुकसान पहुँचे किसी भी किस्म का। इस केसेट को पहले नीट एंड क्लीन करूँगा, सफाई करके उसके बाद इसे प्ले करेंगे, इसे साइड पर करते हैं। अच्छा जी, ये हीरा जनकार में ये एल्बम गर्म गुलाबी शाम चेक करते हैं, अगर नीट एंड क्लीन हुआ तो फिर इसे भी लगाएंगे। कोई भी केसेट जो हाँ ये कुछ गुजारा कर जाएगी। ये चलाते हैं, इसे देखते हैं ये ऑटो ट्यून करता है कि नहीं करता। ये काउंटर रीसेट कर लेते हैं। कमाल हो गया जी, कमाल, बहुत आउटस्टैंडिंग क्वालिटी निकाल रहा, बहुत। अच्छा, उसके बाद इसमें फिर ये MPXL डोल्बी भी डाला इन्होंने, उसके बाद डोल्बी NR डाला है, CB और उसमें DBX भी डाला, और मेमोरी बटन भी है, ये EX SX ZX और इक्वलाइजर इसमें डाला है उन्होंने, 70 dB और 120 dB तक आप जहाँ पे कर सकते हैं। ये EX का मतलब है नॉर्मल केसेट, SX का मतलब है जी मेटल, ZX क्रोम, कि आप कौन सी केसेट प्ले करना चाह रहे हैं इस पर। इसमें ये तीन तरह की केसेट आप प्ले कर सकते हो। ये रिकॉर्डिंग में काम आएंगे लेफ्ट राइट, जब आपको कोई और केसेट इस प्लेयर में रिकॉर्ड करनी है तो आप बटन दबा कर सकते हैं। क्या कमाल का केसेट प्लेयर बनाया कंपनी ने, जापान ने, मान गया जापान वालों को, उन्होंने अगर कोई दावा किया है तो बिल्कुल सच्चा दावा किया है, झूठा दावा नहीं किया किसी भी किस्म का। उन्होंने जो बात की है ना कि इस प्लेयर से ऊपर कोई प्लेयर दुनिया में बनना ही नहीं है, तो बाकी इस बात को मैं जी तस्लीम करता हूँ, मानता हूँ, क्योंकि मैं सुन चुका हूँ, मेरे पास तकरीबन कोई 10 से 12 केसेट प्लेयर्स हैं, मैंने किसी भी अपने केसेट प्लेयर की इस तरह की क्वालिटी नहीं सुनी जो ये केसेट प्लेयर क्वालिटी मुझे सुना रहा है अभी तो, विदाउट इक्वलाइजर, विदाउट एडिटिंग, कुछ भी नहीं मैंने किया अभी तो, डायरेक्ट कैसेट प्ले कर रहा हूँ। बहुत ही आउटस्टैंडिंग चीज़ है, तो आगे आगे बढ़ेंगे और भी चेक करेंगे कि आगे क्या कुछ ये सुनाता है हमें। आपके सामने ये देखें कैसेट्स डाल रहा हूँ, सिर्फ प्ले कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं और मैं कर रहा। कमाल यार, ये कौन सा इन्होंने इसमें फंक्शन डाला हुआ है, खुद ब खुद ही उसे ट्यून कर रहा है केसेट को, खुद ब खुद जहाँ जहाँ पे रिकॉर्डिंग कंपनी ने भेजी है करके वहाँ पे खुद ब खुद जा रहा है, खुद ब खुद मूव हो रहा है हेड। साइड भी चेक करते हैं, नई चीज़ और उसे क्या बोलते हैं, ब्रिटिश चीज़ का अपने मज़ा, वाकई जी साइड भी अब लगाइए, चेक करते हैं। खुद ब खुद ट्यून कर रहा है केसेट को, ये कमाल का फीचर है। जा ढोलना, वाह, नेक्स्ट अब जो भी रिकॉर्डिंग करूंगा इस प्लेयर पे, मैं इसी प्लेयर पे करूंगा, अदरवाइज दूसरे प्लेयर्स पे मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा। मुझे बहुत मज़ा आया जी इस प्लेयर को सुनकर, इसे इंजॉय किया मैंने, और इसकी रिवर्स फॉरवर्ड स्पीड तो कमाल ही है ना, सेकंड्स में काम कर रही है, इधर से उधर, उधर से इधर, मिनटों सेकंडों में कर रही है। दूसरे कैसेट प्लेयर बहुत स्लोली करते हैं ये चीज़, और इस तरह की क्वालिटी भी नहीं दे पाते कि जो मर्ज़ी कैसेट डालें और प्ले कर दें, उन्हें ट्यून करना पड़ता है, और वो क्या कहते हैं, अपने गले अजाब डालने वाली बात होती है, अगर किसी कैसेट का ट्यून अच्छे से ना हो पाए तो क्वालिटी नहीं निकलती। तो ये खुद ब खुद क्वालिटी निकाल के दे रही है, खुद ब खुद हो रहा है सारा कुछ, बहुत आउटस्टैंडिंग चीज़ बनाई है जी जापान वालों ने।
जापान वालों को इस बात पर जी सलाम पेश आया है, सल्यूट करते हैं जापान को जिन्होंने ये एक नई चीज़ बनाई है और नई चीज़ मुतारफ़ करवाई है। बहुत आउटस्टैंडिंग कैसेट प्लेयर बनाया जापान ने, मैं जी इसका टोटली फ़ैन हो चुका हूँ। हाँ, इस कंपनी में, अब नाका मिची कंपनी में मुझे जितने भी कैसेट्स प्लेयर मिलेंगे मैं सब के सब खरीदूँगा और नाका मिची पर ही रिकॉर्डिंग करूँगा सारी। दूसरे भी कैसेट्स प्लेयर आए हैं मेरे पास, वो देखते हैं भाई ने क्या भेजा है, कैसी चीज़ें भेजी हैं, वो भी चेक करेंगे। वो अभी मैंने कॉटन खोला नहीं है, ऐसे ही पैक पड़ा हुआ है, तो थोड़ी देर तक इसे भी मैं खोलता हूँ। ये अभी सील्स लगी हुई हैं, तो जब ये खोलूँगा चेक करवाऊँगा इसका भी कि क्या कुछ है इसमें भी भाई ने डाला। अगली वीडियो में मैं आपको दूसरे कैसेट प्लेयर चेक करवाऊँगा कि उनकी क्या क्वालिटी है, क्या चीज़ है उनमें। और ये साउंड सिस्टम मैं नया लाया था रिकॉर्डिंग के लिए, कि इस पे जो स्टूडियो मॉनिटर उन्होंने मुझे साथ दिए हैं, ये स्टूडियो मॉनिटर स्पीकर्स, ये ए टू जेड वो चीज़ें सुना रहे होते हैं जो दूसरा कोई भी दुनिया का स्पीकर आपको नहीं सुनाएगा। ये स्पीकर सुनाएंगे कि क्या चीज़ बज रही है, कौन सी चीज़ लेफ्ट में कम है, कौन सी राइट में कम है। ये हेल्प करेंगे मेरी एस जे जनकार बनाने में, ताकि एस जे जनकार जिस टाइम मैं बनाऊँ तो मुझे बीट्स का एक जो लेवल है वो बरकरार रहे। बहुत ही नायाब चीज़ बनाई है जी, बहुत नायाब चीज़ जापान वालों ने, मैं फ़ैन हो चुका हूँ इस प्लेयर कैसेट प्लेयर्स का। नेक्स्ट जो भी कैसेट प्लेयर होगा वो भी आपको मैं रिव्यू करवाऊँगा, वो भी कॉटन खोलेंगे। और कुछ मैं कलेक्शन लेकर आया हूँ आप सब भाइयों के लिए, नूर जहाँ मैडम की और नसीबो लाल जनकार में, नैत हुसैन भट्टी, मसूद राना, इखलाक अहमद सर, इस तरह के बहुत सारे वॉल्यूम्स मैं लेकर आया हूँ जनकार में, तो आप लोगों की खिदमत में जल्द हाज़िर होऊंगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उससे प्लीज़ एक बार ज़रूर पूरा देखा करें, जैसे मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा आपको ये सब कुछ यूट्यूब पर, किंग ऑफ जनकार लॉलीवुड चैनल पर सब कुछ नज़र आएगा, सुनाई देगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।